गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रब का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही अच्छा वाला स्क्रब है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सारे स्क्रब्स की वीडियो शूट कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। और या ये वाली स्क्रब की वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आई नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो ये है गाइस, ये प्रोडक्ट देख सकते हो आप लोग, ये है एवर यूथ नेचुरल्स का एक्सफोलिएटर वॉलनट स्क्रब है। बहुत अच्छा वाला स्क्रब है। मैंने छोटा वाला इसलिए लिया था गाइस क्योंकि मुझे हमेशा अलग अलग तरह के स्क्रब, अलग अलग तरह के फेस वॉशेज यूज़ करने होते हैं एंड आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करना होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था ये वाला स्क्रब जिसको मैंने काफ़ी यूज़ किया और इसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ बहुत सारी तो नहीं, फिर भी एक दो स्क्रब की वीडियो शेयर की हुई है। तो यहाँ पे ये है एवर यूथ नेचुरल का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब, रिमूव ब्लैक हेड एंड डेड स्किन सेल्स। ये हमारे स्किन पर से ब्लैक हेड, सॉरी नोज पर से, और जो भी स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रहती है उसको रिमूव करता है और साथ ही हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और क्लीन बनाता है और ज़्यादा हार्श नहीं करता है। बट अच्छा वाला स्क्रबिंग है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड या अपना हिमालय का स्क्रब भी यूज़ करती हूँ, नीम वाला, क्योंकि वो ज़्यादा जब मुझे पिंपल हो जाता है तब वो वाला मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नहीं तो यही वाला यूज़ करती हूँ। तो चलिए इसके बारे में और बातें जान लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, नेचुरल एंड जेंटल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये ऑल स्किन टाइप्स को शूट कर जाता है, इस पर ऐसा मेंशन है। वैसे मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसको लगाती हूँ, मुझे कुछ भी इससे हार्म फील नहीं होता है। और यहाँ पे अगर बात कर लेती हूँ मैं इसकी प्राइस की, तो गाइस 35 रुपीज़ है, छोटा वाला प्रोडक्ट है। इसकी क्वांटिटी भी मैं अभी आप लोग को बता दूँ, 25 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और 35 रुपीज़ का मुझे ये मिला है। और मैंने छोटा वाला इसीलिए लिया क्योंकि मुझे आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करना होता है। अगर मैं इसी को हमेशा यूज़ करूँगी तो किसी और स्क्रब का रिव्यू आपके साथ कैसे शेयर कर पाऊँगी। और वो वाला जो मैंने हिमालय का स्क्रब का रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। और होप ये वाली स्क्रब की रिव्यू को भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। तो चलिए और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये न्यू एवर यूथ का नेचुरल एक्सफोलिएटिंग और वॉलनट स्क्रब है। और इसके अगर टेक्सचर की बात करूँ तो बिल्कुल थिक टेक्सचर आता है इसका, दिखा देती हूँ आप लोगों को एक मिनट। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है और माइल्ड स्क्रबिंग करता है इसमें। लेकिन जो पार्टिकल्स है ना, मुझे थोड़े बड़े लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें जो ये वाला पार्टिकल्स है थोड़ा सा बड़ा है गाइज, नहीं तो थोड़ा सा हार्श कर सकता है आपकी स्किन को। वैसे मैं इसको ज़्यादा कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग देख सकते हो थोड़ी बहुत है अभी, तो इसीलिए। लेकिन वो जो हिमालय का स्क्रब है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसलिए उसको कोई भी स्क्रबिंग कर सकता है, जैसे टीनेजर्स भी कर सकते हैं और जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उनका स्क्रब करना नहीं होता है, उनकी स्किन को क्लीन करना नहीं होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपने हैंड पे स्क्रबिंग करके, इस तरह से जेंटल स्क्रब करता है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से बड़े लगते हैं मुझे। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ। इस तरह से रफ होता है और पूरे डेड स्किन को निकाल देता है गाइस। अगर मैं बात करूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो उनको ये अच्छे से क्लीन कर देगा। और आप लोगों को वीक में एक बार स्क्रब करना ही चाहिए, किसी को भी वीक में एक बार स्क्रब करना चाहिए। आप लोग देख लो कितने अच्छे से स्क्रबिंग कर रहा है ये, और इस तरीके से ये देखिए क्लीन करता है। और मैंने हिमालय का जो दिखाया था उसके जो पार्टिकल्स थे, ये वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी छोटे थे उसमें, और इसमें थोड़े से बड़े हैं उसके मुकाबले। तो हार्श कर सकती है किसी को स्किन को, लेकिन मेरी स्किन को वैसे ही सूट कर जाता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है इसको स्क्रबिंग करने में। तो ये देखिए इसी तरह से मैं इससे स्क्रब करूँगी और बहुत ही अच्छे से जेंटली क्लीन करता है वॉलनट। अगर आप अपने डाइट में भी लेते हैं तो आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसी का स्मेल बहुत ही अच्छी वाली है, देख लीजिए आप लोग, इस तरह का ये प्रोडक्ट है। और इसको मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था और इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, क्योंकि मेरे नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, इसीलिए मुझे स्क्रब वीक में एक बार यूज़ करना पड़ता है। वैसे आप लोगों को भी वीक में एक बार स्क्रब यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी स्किन
एक वीक में तो काफ़ी हद तक उस पर डेड स्किन जम जाती है, जिसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, तो मैं करती हूँ, आप लोग भी करिए। ये देखिए, और मैंने बहुत सारे स्क्रबिंग अभी रखे हुए हैं जो आप लोग के साथ धीरे धीरे रिव्यू शेयर करूँगी, और होप आप लोग को ये वाला रिव्यू पसंद आया हो, क्योंकि उसके फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, कोई एवर यूज का ये वाला स्क्रब यूज़ करता है तो कैसा है, आपकी स्किन पे कैसा जाता है, और अगर कोई नहीं यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इसका छोटू वाला पैक जो 35 में आता है, काफ़ी अफोर्डेबल है, टीनेजर के लिए काफ़ी अच्छा है, तो वो लोग यूज़ करके बताना कि कैसा है। एंड या यही था मेरा आज का रिव्यू, होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर जरूर करना। और ये जा रही हूँ मैं अभी धोने, अच्छे से क्लीन हो चुका है ये मेरा हैंड, वैसे आप लोगों को 5 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।